लगातार बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। भूमि सर्वे में कैथी लिपि से जुड़ी चुनौतियां बढ़ी, अब सर्वे कर्मियों को मिलेगी कैथी लिपि पुस्तिका, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने लिया निर्णय। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, बिहार में नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें, आयोग ने खारिज किया प्रस्ताव। बीपीएससी के 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 4 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। कर्मचारियों की दीपावली नहीं पड़ेगी फीकी, दीपावली से पहले मिल सकता है वेतन, वित्त विभाग के आदेश का इंतजार। 40 साल बाद खनन गतिविधियां फिर से होंगी शुरू, 2025 में नौहट्टा में ग्लुकोनाइट उत्खनन होगा शुरू, 800 करोड़ की लागत से अडानी ग्रुप लगाएगी प्लांट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में चल रहे भूमि सर्वे अभियान में कैथी लिपि से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। अधिकारियों को पुराने दस्तावेजों की जांच और सर्वे काम में दिक्कतें हो रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सर्वे में लगे कर्मियों को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि सर्वे कर्मियों को कैथी लिपि की एक पुस्तिका जो है प्रदान की जाएगी, जो अमीन कानून को और अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच वितरित की जाएगी। ये पुस्तिका सर्वे निदेशालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध होगी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नोडल अधिकारियों के साथ बैठकर भूमि का ब्यौरा सर्वे कर्मियों को उपलब्ध करवाएं। बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि आम जनता को बिजली के लिए अधिक पैसे अब नहीं चुकाने पड़ेंगे। आयोग ने कंपनी के खर्च और आमदनी के आंकड़ों का पुनः मूल्यांकन किया और कुछ टंकर भूलों को भी दुरुस्त किया। हालांकि आयोग ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत सभी दलीलों को सुनने के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस निर्णय से स्पष्ट है कि बिहार में वर्तमान में बिजली का उपयोग कर रहे उपभोक्ता वही दरें जारी रख सकेंगे, जिससे उन्हें कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी है। अब अभ्यर्थी जो है 27 विभागों में केवल 9 और 7 के 2027 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने जानकारी दी। ऑनलाइन आवेदन या OTR में संशोधन के लिए लिंक 19 अक्टूबर से 4 नवंबर तक एक्टिव रहेगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा 13 और 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए लेवल 9 के 748 और लेवल 7 के लिए 1279 पद चिन्हित किए गए हैं, जो कि बीपीएससी की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी रिक्ति है। पटना नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। सभी 75 वार्डों में स्वच्छता अदालत हर शनिवार को वार्ड पार्षदों और नगर निगम के कर्मचारियों की उपस्थिति में आयोजित होगी। स्वच्छता अदालत में शहर को गंदा करने वाले नगर शत्रु के खिलाफ पटना नगर निगम द्वारा 4 प्रकार के दंड लगाए जाएंगे। सबसे पहले उनका नाम काली सूची में प्रकाशित किया जाएगा। दोषियों पर 5,000 रुपए तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें गंदगी साफ करने के लिए भी कहा जाएगा। इसके साथ ही धारा 133 के तहत उन्हें 1 हफ्ते के भीतर सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने का निर्देश दिया जाएगा। नगर निगम ने समस्याओं और सुझावों के लिए टोल फ्री नंबर 1553 और व्हाट्सएप नंबर 9264474449 पर संदेश भेजने की अपील की है। बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन उन्हें समय पर मिलने की उम्मीद है। इस बार सचिवालय से लेकर मुफस्सिल तक तैनात सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इस संबंध में वित्त विभाग के आदेश का इंतजार है। धनतेरस, दीपावली और महापर्व छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के मद्देनजर सरकार हर वर्ष वेतन मद की राशि समय से पहले जारी करती है। दीपोत्सव इस बार अक्टूबर की आखिरी तारीख को है और सामान्यतः 29 और 30 अक्टूबर को सरकारी कर्मियों के बैंक खातों में वेतन पहुंच जाता है। बता दें, प्रदेश में लगभग 8 लाख कर्मचारी विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत हैं, जिनमें से 6 लाख अस्थायी और बाकी संविदा या नियोजित कर्मचारी हैं। समय वेतन मिलने से इन कर्मचारियों की त्योहार की रौनक और बढ़ जाएगी।
बिहार में 26 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी का मुकाबला मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित होना है। इस बार एंट्री फ्री रखी गई है, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने दर्शकों से साफ तौर पर अपील की है कि वे स्टेडियम में ना आए। बीसीए के सीईओ मनीष राज ने बताया कि स्टेडियम की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और इसके अंदर की स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में दर्शकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा है। पिछले सीजन में भी स्टेडियम की स्थिति को लेकर काफी आलोचना हुई थी और पुनर्निर्माण की बात भी की गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। दर्शकों को सुरक्षा के लिहाज से सलाह दी गई है कि वे अपने रिस्क पर ही स्टेडियम में जाएं। बिहार में शराबबंदी के बाद पुलिस और उत्पाद विभागों ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 1 अप्रैल 2016 से अब तक दोनों विभागों ने 69,216 छापेमारी कर 12,495 मामले दर्ज किए हैं और 19,501 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें से 22 व्यक्तियों को दोबारा शराब पीने पर सजा भी सुनाई गई है। छापेमारी में 73,103 लीटर देसी और 79,477 लीटर विदेशी शराब, साथ ही 65,107 किलो जावा महुआ जब्त किया गया है। अवैध कारोबार में शामिल 430 वाहनों को भी जब्त किया गया है, जिनमें से 229 वाहन नीलाम किए गए, जिसमें 84.5 लाख रुपए की आय हुई। इसके अलावा 70 मकान और भूखंड भी जब्त किए गए हैं। बिहार के रोहतास जिले से खबर है, कैमूर पहाड़ी और उसके आसपास 40 साल के बाद खनन गतिविधियां जो है फिर से शुरू होने जा रही है। 2025 में नहट्टा प्रखंड में ग्लुकोनाइट के उत्खनन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिसके चलते 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। बता दें कि वन संरक्षण कानून लागू होने के बाद इस क्षेत्र में चूना पत्थर की खदानें जो है बंद हो गई थी। अब ग्लुकोनाइट और चूना पत्थर के उत्खनन का काम अगले वर्ष शुरू होगा। इसके अलावा अडानी समूह द्वारा 800 करोड़ की लागत से सासाराम में पैडी प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। खनन और भूतत्व मंत्रालय द्वारा 463.995 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्लुकोनाइट पोटास खनन के लिए संविदा निकाली गई है, जिसमें 141.13 मिलियन टन ग्लुकोनाइट का उत्खनन किया जाएगा। नवादा के वारिसलीगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव और उनकी सहयोगियों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। गायिका ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मुखिया और पूजा समिति के सदस्यों सहित अन्य ग्रामीणों को भी आरोपित किया गया है। बता दें कि घटना उस समय हुई जब गायिका अपनी टीम के साथ कार्यक्रम समाप्त करके लौट रही थी। आरोपितों ने अभद्रता की और मारपीट की, जिसमें उनके कई सहयोगी जख्मी भी हुए। अनुपमा यादव ने बताया कि उनके सहयोगियों के गले की चेन छीन ली गई और कई और वाहन के शीशे भी तोड़े गए। वारिसलीगंज थाना अध्यक्ष रुपेश कुमार सिन्हा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपों की जांच की जाएगी। वहीं मुखिया अभिनव आनंद ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। बिहार में नक्सलवाद की समूल सफाई के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। विशेष रूप से झारखंड से सटे क्षेत्रों में प्रमुख नक्सल प्रभावित जिलों जैसे कि गया, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय और मुंगेर में केंद्रीय सुरक्षा बलों और एसटीएफ की विशेष टुकड़ियों को तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की हालिया बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ नई रणनीति पर चर्चा की गई, जिसका लक्ष्य 2026 तक नक्सलियों का समूल सफाया करना है। इस अभियान में कॉम्बिंग ऑपरेशन को तेज किया जाएगा। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और अफीम की खेती को खत्म करने के लिए भी निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। बेटा एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर जो है जारी कर दिया गया है। दिल्ली स्थित कारपोरेट मुख्यालय के दक्षिणी क्षेत्र से निकाले गए इस टेंडर में कुल लागत 665.85 करोड़ रुपए रखी गई है। इसमें 613.76 करोड़ रुपए निर्माण काम के लिए, 52.09 करोड़ रुपए मरम्मत एवं अन्य खर्चों के लिए आवंटित किए गए हैं। इस नए टर्मिनल भवन का निर्माण काम G+2 स्ट्रक्चर के तहत किया जाएगा और इसे 2 साल के भीतर पूरा करने की योजना है। टेंडर दाखिल करने की प्रक्रिया आज 16 अक्टूबर से शुरू हो गई है। टेंडर डालने की आखिरी तारीख 5 नवंबर है। वही टेंडर खोलने की तारीख 5 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस टर्मिनल भवन के बन जाने के बाद बेटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़कर 1 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी।
बिहार राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कटिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। वही सारण ने 2 स्वर्ण पदक लेकर दूसरे स्थान पर जगह बनाई। इस प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं ने भाग लिया। मुजफ्फरपुर और भोजपुर के खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जिला खेल पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि आज पुरस्कार वितरण और समापन समारोह होगा, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इधर अपराजिता मिश्रा मुजफ्फरपुर जिले की पहली अंतर्राष्ट्रीय बूसू खिलाड़ी बन गई हैं। वे 17 से 23 अक्टूबर तक बाटुमी में ओपन इंटरनेशनल बूसू चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वे रवाना हो गई हैं। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने तरारी विधानसभा सीट से लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह को प्रत्याशी घोषित किया। इस अवसर पर जनरल सिंह ने कहा कि अब तक समाज से लिया है, अब समाज के लिए कुछ करने का समय है। बता दें, उपचुनाव 13 नवम्बर को होंगे, जिनमें रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीट भी शामिल है। ये सीटें इस साल की शुरुआत में विधायकों की लोकसभा के लिए चुने जाने के खाली हुई थी। उपचुनाव की मतगणना जो है 23 नवंबर को होगी। तेजस्वी यादव ने अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा में बदलाव किया है। ये यात्रा अब 17 अक्टूबर तक ही चलेंगी, जबकि पहले ये 26 अक्टूबर तक निर्धारित थी। इस बदलाव की वजह यह है कि बिहार की 4 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां। उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। तेजस्वी यादव अब उपचुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक इन 4 सीटों पर रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। उपचुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव का फोकस अब पूरी तरह से चुनावी तैयारी पर होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले बेंगलुरु टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल शुरू नहीं हो सका। लंच ब्रेक के बाद भी बारिश होती रही, जिसके कारण टॉस नहीं हो सका है। ऐसे में पूरे मैदान को कवर करके रखा गया है। वही भारतीय टीम के खिलाड़ी बारिश के दौरान इंडोर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खबर लिखे जाने तक बारिश के कारण मैच शुरू नहीं हुआ था। अगर बारिश रुक जाती है तो मैच 1 घंटे के भीतर शुरू हो जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नूनू गोलू कुमार, कामेश्वर सिंह, सुकांत शंकर, रंजित मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, शशि कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजीव कुमार, गोनर शर्मा, प्रिंस कुमार, छोटू रजा, पवन सिंह, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, उमेश कुमार, रविशंकर कुमार, जय कुमार शर्मा, नरेंद्र कुमार, विद्यानाथ ठाकुर, राम बाबूदास, रूपा कुमारी, छोटी कुमारी, मुकेश यादव, संतोष कुमार, साधु पल्वी, पप्पू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आप कौन सी भाषा बोलना ज्यादा पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए बिहारी न्यूज देखते रहिए। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।